Assalamu alaikum student, mathematics 4024, welcome to Maths Guru. Student, this is also a question from paper 1. Is question mein, again we have to find the values of A and B, 3 mark ka ye question hai. Ab is question mein usne hame ek algebraic fraction diya hua hai, aur algebraic fraction jo hai, that is 2x square minus 5x plus A divided by x square minus 16. Ab wo keh raha hai ki ye jo algebraic fraction hai na, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और जब सिंप्लीफिकेशन होगी उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 2x plus b upon x plus 4. ठीक है, मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी उसके बाद, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस फ्रैक्शन विल बिकम दिस 2x plus b upon x plus 4. हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b. अच्छा, अब जरा एक चीज ये देखते हैं कि भाई हमें इस पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमें पता है कि भाई ऊपर 3 टर्म्स हैं और नीचे 2 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लगाते हैं और उसके ब्रैकेट्स बनाते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं. और डिनोमिनेटर में आई हैव 2 टर्म्स, x स्क्वायर माइनस 16, ये भी स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बन जाता है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं इसको जो है वो फैक्टराइज कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इसी तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन होती है, नीचे भी सिंप्लीफिकेशन होती है, कोई चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, उसके बाद मेरे पास जो है ना ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है. फाइनल रिजल्ट में 2x plus b है और x plus 4 है. यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरे पास जो है ना वो वेरिएबल्स आए हुए हैं, यहाँ भी एक वेरिएबल आया हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी वेरिएबल है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी वेरिएबल है, तो अब अगर ये वेरिएबल्स ना होते, नंबर्स होते, तो मैं इनको फटाफट जो है वो सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर देता, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन पूरा क्या है, क्योंकि ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और फिर जो सिंप्लीफिकेशन दे रहा है वहाँ बी की वैल्यू भी मुझे नहीं पता. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 2x plus b upon x plus 4 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये वाला फ्रैक्शन मैंने लिखा. अब मैंने ये सोचा कि यार ये तो मैं इसको सिंप्लीफाई तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ ए है. हाँ, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 3 होती है, तो हम इसमें ये देखते हैं इसकी निशानी होती है कि बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, दो जो है वो टर्म्स होनी चाहिए और दोनों टर्म्स जो है ना वो किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब अगर मैं उनका स्क्वायर रूट निकालूँ तो होल नंबर आंसर आना चाहिए. ठीक है, वो डेसिमल में ना हो, मतलब कंप्लीट स्क्वायर. तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है और फोर का स्क्वायर 16 होता है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4. ठीक है, एक्स को भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया और चूंकि मुझे पता है कि भाई 16 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 और 4 आ गया. निशानी ये होती है कि जब इसकी एक्सपेंडेड इसकी ब्रैकेट्स वाली फॉर्म आती है ना, तो उसमें आपको एक जगह प्लस लिखना होता है, एक जगह माइनस लिखना होता है, तो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 मैंने लिखा. अब मैंने देखा कि यार ये जो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ x प्लस 4 है, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा दिया. ठीक है, तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा 2x plus b upon x plus 4. अब मैंने देखा कि यार यहाँ मुझे x माइनस 4 चाहिए तभी तो ये बनेगा, तो मैंने x माइनस 4 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा दिया, न्यूमरेटर को भी करा दिया. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. अच्छा, अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ऊपर जो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कराया. जब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, जब मैं 2x को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस 4 से तो ये बन जाएगा माइनस 8x, प्लस बी जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, और प्लस बी जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4b बन जाएगा. डिनोमिनेटर को मैं नहीं टच करा, डिनोमिनेटर एज इट इज मैंने लिख लिया, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4. अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया, 2x square as it is आ गया, इन दोनों में से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जब मैं माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो 8 यहाँ बच जाएगा, और चूंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये पॉजिटिव अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ b बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस 4b as it is आ जाएगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल as it is आ गया. अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, देखो डिनोमिनेटर तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर तो बराबर ही है तकरीबन. अब मैं देखता हूँ न्यूमरेटर को, अब न्यूमरेटर में मेरे पास जो x की टर्म है, जो x की टर्म है वो है माइनस 5, और यहाँ अच्छा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ जो x के साथ है वो 5 है और यहाँ x के साथ है 8 माइनस भी, तो मैंने क्या किया दोनों कोफिशियंट्स को इक्वेट कर देता हूँ. ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है, अब यहाँ 5 है
और यहाँ है 8 माइनस बी, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, 8 माइनस बी इक्वल टू 5। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि उसने मुझे खुद बोला है कि भाई ये जो फॉर्म है ना ये सिंप्लीफाई होके ये वाली फॉर्म बनती है, मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर है, तो इसीलिए मैंने इनको इक्वेट किया। 8 माइनस बी यहाँ गया, अब माइनस बी को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव बी हो गया, और 5 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, तो बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब चूंकि बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो अब मेरे पास आखिरी एक कोफिशेंट और रह गया, ये माइनस 4 बी है, तो माइनस 4 बी जो है वो प्लस ए के बराबर है, माइनस 4 बी जो है वो प्लस ए के बराबर है। मैं कोफिशेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, देखो 2x² के बराबर है, फिर मैंने x वाली टर्म को x वाली टर्म से कंपेयर किया, तो अब ये जो आखिरी टर्म है उसको आखिरी टर्म से कंपेयर करूंगा, तो a जो है वो माइनस 4b के बराबर हो गया, तो माइनस 4b इक्वल्स टू a, b की वैल्यू 3 थी मैंने पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई माइनस 12। तो ये दो मेरे आंसर्स आ गए, a की वैल्यू माइनस 12 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने यहाँ तुम्हें चेक करके भी दिखा दिया कि देखो चेकिंग के बाद भी जो है ना वो मेरे आंसर्स वो हो रहे हैं वेरीफाई। अब मैं क्या करता हूँ, a की जगह पे माइनस 12 पुट करता हूँ, a की जगह पे माइनस 12 फुट करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ बी की जगह पे देखना 3 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये दोबारा लिखा 2x² माइनस 5x माइनस 12, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डिनोमिनेटर को मैंने उसी तरह ब्रेक डाउन कर दिया x प्लस 4 और x माइनस 4 में। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लगाऊंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करूँ 5 आए, तो 8 3 से 24 और 8 माइनस 3 5, तो 2x² एज इट इज माइनस 8x, जो मिडिल टर्म का साइन होता है हमेशा बड़े फैक्टर को मिलता है, माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। अब 3x को मुझे प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 3x को भी माइनस दे दिया तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, माइनस 11 आ जाएगा, मुझे माइनस 5 चाहिए बीच में, तो मैंने इसको माइनस दिया और इसको प्लस दिया, तो अब माइनस 5x आ जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज वही वाला आ गया, x प्लस 4 और x माइनस 4। अब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन और लास्ट टू टर्म से कॉमन लूंगा, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2x मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 1x बच गया, माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो x तो बाहर है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 आंसर आया तो 4 आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से मैं जो है वो प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 3 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 आ जाएगा। अब दो ब्रैकेट सेम हो गया तो इनको कॉमन ले लिया x माइनस 4, बाकी एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3। अब डिनोमिनेटर में जो था वो मैंने लिख लिया x प्लस 4 x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये देखो जो आखिरी स्टेप में जो आंसर बचा है वो है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, तो इसका मतलब है b की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। तो देखो यहाँ से भी b की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब है मेरी a की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। तो ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें उसने हमसे एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन दे के हमसे सिंप्लीफिकेशन भी हमें दी, और हमें उसमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा के बोला a और b की वैल्यूज निकालो, तो थोड़ा सा 3 मार्क का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर था ये। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी इस क्वेश्चन की, तो मैंने जो है रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह दोबारा इस तरह के और क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि ये इस तरह की जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए।